हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। मेरा नाम मंजरी है और आज हम नेट जून 2023 के सोशल वर्क के पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे और उनका आंसर क्या होगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है जिसे हमें मैच करना है। इसमें कुछ बुक्स का नाम है, उनके ऑथर्स के साथ हमें इसे मैच कराना है। ठीक है, तो पहली जो बुक है वो है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वेमेन। ये किसने लिखा है? तो इसे लिखा है मेरी वॉल्सन क्राफ्ट ने। ठीक है, फिर है द कॉमन सेंस जिसे लिखा है थॉमस पाइन ने। फिर है ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क जिसको जिम इफे ने लिखा है, और फिर है डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स जो कि आपका बीथम ने लिखा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे तो इसके लिए घबराना नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगता है कि हमें पेपर में नहीं आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लिस्ट करना है मैच कॉन्सेप्ट और उसके एक्सप्लेनेशन से। तो पहला जो आपका ऑप्शन ए है वो है एलिटिज्म जिसे कहते हैं अभिजातवाद। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है किस बेसिस पे, क्लास की बेसिस पे। आपको याद होगा कि एलीट क्लास होता है, लेबर क्लास होता है, तो ये उसी शब्द से आप इसको पहचान सकते हैं। अभिजातवाद हिंदी में आपको, अगर आपको हिंदी वाले लर्नर्स हैं तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पे ऑप्शन जाएगा। फिर है हेट्रोसेक्सिज्म। इसका क्या मतलब हुआ? जब कोई डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस होगा, जब किसी के जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उस पे उसे प्रिजुडिस किया जा रहा है या डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ना? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। फिर आपका आता है एजिज्म, जिसका मतलब है कि आप किसी के एज को लेकर उससे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपका आता है हैंडीकैपिज्म, मतलब कि आप उसके डिसेबिलिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस बना रहे हो। तो ये आपका ऑप्शन इस प्रकार से हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। हिंदी में भी आप इसी प्रकार से इसको देख लेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ पे पूछा गया है कि नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलेंट्री सेक्टर वॉज अप्रूव्ड इन द ईयर। तो ये 2007 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अरेंज करना है फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ सोशल वर्क इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर इवोल्यूशन। ठीक है, तो समाज कार्य के निम्नलिखित उपागमों को, उनके उद्भव को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहला अप्रोच है वो है थेरेप्यूटिक अप्रोच। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सिस्टम अप्रोच, फिर आपका आता है रेडिकल अप्रोच, उसके बाद आपका आएगा एंटी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोचेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर दो में है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। हिंदी में भी आपको यहाँ पे दिया गया है उपचारी उपागम, परिवर्तनकारी उपागम, प्रणालीगत उपागम और अभिभेदक उपागम। फिर है आपका क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वेयर एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट। कौन से व्यक्ति थे जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेमस नाम आपको पता है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, फिर गौरा देवी हैं, उसके बाद आपका सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका वन हो जाएगा, ए बी एंड सी। फिर आपका आता है, इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वेयर हेल्ड इन डिफरेंट सिटीज अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि जो आपका आरोही क्रम में इन्हें लगाना है प्रथम से अंतिम तक, ये अलग अलग जो प्लेसेस पे हुआ है विश्व महिला सम्मेलन उनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले जहाँ पे हुआ था वो था मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में सबसे पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था कोपेनहेगन में, फिर आपका हुआ था नैरोबी में, उसके बाद आपका बीजिंग में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका फोर हो जाएगा।
ये सब चीजें आपको फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन है व्हाट आर द की रीजन फॉर सोशल वर्कर्स टू स्टडी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन रहे हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन, उनका अध्ययन क्यों जरूरी है एक सोशल वर्कर के लिए, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला कि फोकस ऑफ दीज मूवमेंट्स वॉज इंडियन सोसाइटी, मतलब कि जो समाज, भारतीय समाज है, उनके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पुराने समय से ही सारी चीज़ें चली आ रही है ना। समाज कार्य जो स्टार्ट हुआ था पुराने समय से ही, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नहीं था उस टाइम पे, लेकिन वहाँ पे समाज कार्य का कार्य हो रहा था, वो धार्मिक सुधार आंदोलन वगैरह के द्वारा। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी कैसी रही है हमें जानने में ये हेल्प करता है। फिर द फोकस ऑफ दीज मूवमेंट्स वॉज द सोशल इविल्स, मतलब जो सामाजिक बुराइयाँ थी ये उन पे केंद्रित होके इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये भी होगा। दीज मूवमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी व्हेन इस्टेब्लिश्ड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर चैलेंज्ड। ठीक है, मतलब जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रचलन थे उनको चुनौती जो दी जाती थी, ऐसे सामाजिक जो समाज के आंदोलन थे वो उसको समझने में, क्या प्रोसेस था उसको समझने में हेल्प करते हैं। तो ये भी होगा आपका। फिर दिस मूवमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द आइडियोलॉजी फॉर सोशल चेंज, तो ये भी होगा। मतलब ये हर प्रकार से सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 53। अब यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द डिसेबिलिटीज एंड डिसेबिलिटी राइट इन इंडिया, मतलब कि भारत में दिव्यांगता और दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ गई है। ये सही बात है। अभी देखिए आप लोगों को पता है कि दिव्यांग जो हैं वो, मतलब उनको हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उनका उनके लिए हमें अलग अलग, हमारी जो गवर्नमेंट है प्रोग्राम वो लॉन्च कर रही है, ताकि उनके लिए जो सारा उनका जो प्रोसेस है वो आराम से कर सके, सुगम बनाया जा सके उनके लिए, है ना। और लोगों को भी अब जो पहले उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था, अब लोग समझदार हो गए हैं कि भाई ये किसी की कोई बीमारी या समस्या नहीं है ऐसे प्रकार की कि उसे जज किया जाए। ठीक है, तो अब लोग जागरूक हैं, तो ये बात सही है। फिर दूसरा है द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज डिसेबिलिटी कंडीशन हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम 7 to 21 इन द RPWD एक्ट 2016, ये बात भी सही है, अभी इनकी संख्या बढ़ गई है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद सवाल है विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रमोशन हैज़ बीन स्क्राइब टू द सोशल वर्क प्रोफेशन, कौन सा ऐसा जनरेशन है जो समाज कार्य व्यवसाय की प्रमुख भूमिका प्रदत्त मानी जाती है। तो ये आपको जो है सेकेंड जनरेशन में मिल जाता है। ठीक है, ये तीन आपके राइट्स जो ह्यूमन राइट जनरेशन है वो तीन भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट वाला जो है आपका वो सिविल एंड पॉलिटिकल जो एरेना है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, जो सेकंड होता है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट से रिलेटेड होता है। और फिर एक होता है आपका कलेक्टिव डायमेंशन, जहाँ पे कम्युनिटीज वगैरह सब कुछ मिलके कलेक्टिव जो उनका वर्क होता है उस पे, वो कलेक्टिव लेवल पर जो कम्युनिटीज काम करती हैं, पॉपुलेशन और सोसाइटीज और नेशंस, तो वो शामिल होता है। ठीक है, तो ये तीन आपके जनरेशन है। तो इसीलिए जो सेकेंड जनरेशन है, क्योंकि वो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट से रिलेटेड है, तो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका ये क्वेश्चन है कि जो इवान पावलोव थे, उन्होंने जो अपना क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें ये क्वेश्चन है कि क्लासिकल जो कंडीशनिंग है, एक्सपेरिमेंट आफ्टर कंडीशनिंग जो सेलिब्रेशन होता है वो किस बेल के कारण, जब वो सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है तो उसको जो कंडीशन होती है बेल के साथ उसको क्या बोलेंगे। तो इसे कहेंगे आपका कंडीशन स्टिमुलस, है ना, अनुकूलित प्रेरणा, ये ऑप्शन आपका होगा। क्योंकि वो जो बेल है वो एसोसिएट हो गया था उसके सलाइवा से, जो डॉग था, है ना, पहले, क्योंकि वो फूड प्रेजेंट कर, क्योंकि फूड उसके लिए पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस था, है ना, और वो उसका रिस्पॉन्स उससे होता था जो वो सलाइवा करता था। बट जब बेल के साथ एसोसिएट हो गया, तो फिर जब बेल, जब फूड प्रेजेंट भी नहीं किया जाता था, तब भी क्या होता था कि बेल बजाने पे वो सलाइवा उसका जो डॉग था वो स्टार्ट कर देता था निकालना। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है। इसके लिए आप जाके जो वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं ये थियरीज, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं लर्निंग थियरी से। ठीक है, फिर इसके बाद
फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा गया है व्हाट आर द की ऑपरेशंस इन द डेटा प्रोसेसिंग, मतलब जो डेटा प्रोसेसिंग होता है उसमें क्या महत्वपूर्ण जो ऑपरेशंस होते हैं, कौन से शामिल होते हैं। तो इसमें आपका जो होता है एडिटिंग होता है, जो भी आप एंट्रीज करते हो, ठीक है। फिर आपका कोडिंग होता है, डेटा को आप अपना कोड देते हो, उसी हिसाब से सारी चीज़ें करते हो। फिर आपका कंप्यूटिंग द सीरीज, ठीक है, ये तीनों आपका शामिल होता है, ये महत्वपूर्ण कार्य है। फिर आपका है क्वेश्चन विच इज द एरिया ऑफ काउंसलिंग दैट इंगेज लीस्ट नंबर ऑफ काउंसलर्स इन इंडिया, मतलब सबसे कम जो परामर्शदाताओं की संख्या है वो किस काउंसलिंग में होती है। तो इसमें शोक संतप्त परामर्श दिया हुआ है, बेरवेमेंट काउंसलिंग, ठीक है, इसमें सबसे कम है। आप देखोगे जनरली वो आपको दिख भी जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्स वॉज गिवन बाई, ये एच वाई सिद्दीकी ने दिया है, आपने अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एटीट्यूड फॉर्मेशन, तो अभिवृत्ति निर्माण में इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो एटीट्यूड इज लर्न थ्रू पॉजिटिव एसोसिएशन, ये बात सही है, जहाँ पे आपको सकारात्मक साहचर्य मिलेगा, एसोसिएशन मिलेगा, वहाँ पे ही आप वो लर्न करोगे जो एटीट्यूड है आपका, ठीक है। एटीट्यूड इज लर्न थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये बात भी सही है। जब किसी चीज़ को लेकर, जब कोई कार्य करने पे बच्चे को डांटा जाता है या दंडित किया जाता है, तो बच्चा वो काम करना छोड़ देता है ना। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो चोरी करता है और उसे पेरेंट्स की तरफ से डांटा जाता है या फिर उसके फेवरेट चॉकलेट उसे नहीं दिए जाते हैं, तो क्या है, वो चीज़ ख़त्म कर देता है, वो करना बंद कर देता है चोरी। और अगर वो पढ़ाई करता है तो उसके पेरेंट्स उसे शाबाशी देते हैं या उसका फेवरेट जो टॉय है ला के देते हैं, तो यहाँ पर रिवॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर एटीट्यूड जो है इसी तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। एटीट्यूड इज लर्न थ्रू ग्रुप नॉर्म्स, ये भी बात सही है। आप जिस समूह के में होते हैं, आप उसके जो भी कल्चर होते हैं उसको देखते हुए सीखते हो कि किस चीज़ को अच्छा माना जा रहा है, किससे लोग उसकी तारीफ करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो नॉर्म्स होते हैं आप उसको फॉलो करते हो, है ना। आपका जो परिवार में जो भी चीज़ें चली आ रही हैं आप उससे सीखते हो, वही चीज़ें आप सीख के आगे आपका उसी प्रकार का व्यक्तित्व भी बनता जाता है। फिर एटीट्यूड इज लर्न थ्रू एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी बात सही है। जब सूचना मिलती है तो उसके संपर्क में आने से रहे नई चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके इसमें शामिल होंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या है कि आप जो भी प्रेजेंट रिसोर्स है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो जो रिसोर्स है वो बचा रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये तो हमें पता है, कौन सी नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो होगा आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आपका है कि ये आपको मैच लिस्ट करनी है, थियरीज हैं और टेक्निक्स जो एसोसिएटेड है उससे वो मैच करना है, ठीक है। तो पहली थियरी है साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस क्या करती है, वो एक्टिविटीज दैट ग्रो आउट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द केस वर्क एंड द क्लाइंट। साइको एनालिसिस उन गतिविधियों जो व्यक्ति कार्यकर्ता एवं सेवार्थी के मध्य क्रिया उत्पन्न करती है उससे रिलेटेड होती है, ठीक है, साइको एनालिसिस में। उसके बाद आपका दूसरा है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, ठीक है। तो ये आपका जो भी एक्यूरेट जो फीलिंग्स होती है, थॉट्स होते हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है उस पे ये काम करते हैं, है ना, विचारों एवं भावनाओं का शुद्ध अनुचिंतन परावर्तन, ठीक है। मतलब कि व्यक्ति की काउंसलिंग की जाती है कि उसके सोचने और समझने के तरीकों को कैसे काउंसिल किया जाए, कि वो जो जिस तरीके से सोच रहा है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। फिर आपका आता है जेस्टल थेरेपी। तो जेस्टल थेरेपी जो होती है वो आपका एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस करता है, ठीक है। फिर आपका आता है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल काउंसलिंग। तो ये आपका हो जाएगा सिस्टमेटिक डिसेंटजाइजेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रेफरल, रेफरल से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है, रेफरल से संबंधित क्या इसमें से सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट। तो
पहला स्टेटमेंट है, रेफरल इज अ कॉन्सेप्ट यूज इन सोशल केस वर्क टू रेफर अ क्लाइंट टू अदर प्रोफेशनल्स। ये बिल्कुल सही है। जब जब सोशल केस वर्क होता है तो उस दौरान देखा जाता है कि जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल क्लाइंट है, अगर उसे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है काउंसलिंग के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे रेफर किया जाता है वहाँ पे। तो ये रेफरल से रिलेटेड है। ये रेफरल का मतलब यही है कि उसे का मतलब कि जो एक्सपर्ट है उनके पास भेजा जा रहा है। ठीक है, सही है ये। फिर है, दिस एग्जिबिट इनकॉम्पिटेंसी ऑन द पार्ट ऑफ सोशल वर्कर्स, पर्टिकुलरली नॉलेज एंड स्किल्स। ये नहीं है, ये गलत है। ऐसा कोई नहीं है कि उसके पास स्किल्स नहीं है तो इस वजह से रेफरल किया जाएगा। ठीक है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स आर इन्वॉल्व इन द रेफरल प्रोसेस। ये बिल्कुल सही है। जो भी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं या जो पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो चाहे क्लाइंट से रिलेटेड, वो सारी डिटेल सारी चीज़ें प्रोसेस में दी जाती हैं ताकि जो एक्सपर्ट है उसके पास सही जानकारी मिले, ताकि वो सही से ट्रीटमेंट कर पाए। ठीक है, और उसके बाद जेन्युइन केसेस रेफरल कंसेंट ऑफ द क्लाइंट इज नॉट इम्पॉर्टिव। ये गलत है। ठीक है, सेवा जो क्लाइंट है उसका जब आप राय नहीं लोगे, उसको ऐसे नहीं आप कर सकते जब तक वो ना बोले कि उसे भी जाना, उसे जाना है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट वाइटल इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप फंक्शनिंग। इसमें ग्रुप फंक्शनिंग से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग इसको हमेशा मिस कर देते हैं और एग्जाम में फिर क्या होता है, हम गलत टिक करके आते हैं। तो क्या नहीं है, तो यहाँ पे ग्रुप कन्फ्लिक्ट जरूरी नहीं है। ठीक है, फंक्शनिंग के लिए कोहेशन होना चाहिए, आपस में लोग मिलजुल के मतलब हेल्प कर सके एक दूसरे की, कंट्रोल होना चाहिए, एक सोशल कंट्रोल और ग्रुप कल्चर आपका होना चाहिए। ये आपका ग्रुप कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो ये मतलब तीनों ऑप्शंस मतलब इसमें तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये होगा। ठीक है, फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ बैरियर टू एक्यूरेट परसेप्शन। परसेप्शन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा परिशुद्ध अवबोधन के लिए अवरोध के रूप में है। अब देखिए बैरियर क्या है इसमें से, तो आपका प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, फिर है आपका कि सम मेजर लैंडमार्क्स इवेंट इन इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजी आर गिवेन बिलो। अरेंज द इवेंट्स फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। तो इसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा फंक्शनलिज्म फॉर्मुलेटेड एज सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी बाई जॉन डेवी। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा सिगमंड फ्रायड डेवलप साइको एनालिसिस। उसके बाद आपका होगा जेसल साइकोलॉजी बॉर्न इन जर्मनी। ठीक है, फिर आपका आएगा जॉन बी वॉटसन पब्लिश बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है आपका, द प्रिंसिपल इंडिविजुअलाइजेशन गाइड्स द सोशल वर्कर टू रिकॉग्नाइज दैट। तो इसमें से कौन सा है जो इंडिविजुअलाइजेशन प्रिंसिपल को गाइड करने में सोशल वर्कर की हेल्प करता है। तो ईच क्लाइंट यूनिक इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। हमारा जो इंडिविजुअलाइजेशन है, जो सोशल वर्कर है वो कहता है कि प्रिंसिपल जो है कि जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो यूनिक है अपने आप में, मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे है कि इन्फॉर्म कंसेंट एज पार्ट ऑफ NASW, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर कोड एथिक्स स्पेसिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड पूछा है यहाँ पे, क्या इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, सो द दिन की प्रकृति विस्तार एवं अवधि नेचर एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च स्टडी, बाकी ये सारी चीज़ें आपकी शामिल होंगी। ठीक है, आपको डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेशन बताना है, वॉलंटरी एंड रिटन कंसेंट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट होना चाहिए, नेचर एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी शामिल होंगी और ये मतलब कि जो राइट आंसर होगा ये होगा। ठीक है, मतलब यहाँ के लिए नहीं होगा, लेकिन वैसे ये आंसर जो है आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है, फिर है कि संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण किसने दिया है, बहुत फेमस है ये, M.N. श्रीनिवासन जो थे उन्होंने दिया है। ठीक है, फिर है आपका, इसमें मैच लिस्ट कराना है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिया हुआ है और पर्पज और फील्ड दिया हुआ है। तो अगर आपको इसमें एक एक का भी आइडिया होगा ना, तो आप बाकी को सॉल्व कर सकते हो।
जैसे कि हम देखेंगे जो ISO 9001 और 2015 है, ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। और बाकी को भी देख लेते हैं, यहाँ पे जो 14001 2015 है, ये आपका कहाँ पे है, थर्ड पे आ जाएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैनेज, हाँ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपका। और फिर आपका ISO 5001 है आपका एनर्जी से रिलेटेड, फिर आपका ये हो जाएगा ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो सोशल एक्शन ब्रॉडली कंसीडर्ड है, यहाँ पे पूछा गया है, सामाजिक क्रिया विस्तृत रूप से समझा जाता है, वायलेंट एक्शन नहीं होता है, पनिशिएटिव नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, कंसर्टेड एक्शन होगा आपका। ये तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द नॉन लीनियर सोशल वर्क प्रोसेस विद एसलम सिकर्स एंड फ्यूजिस कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, इसको अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो किस प्रकार से ये होगा, तो सबसे पहले जो होगा आपका वेलकम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर आपका होगा अकम्पेनमेंट, ठीक है। फिर होगा आपका मीडिएशन, उसके बाद आपका होगा बी फ्रेंडिंग, फिर आपका हो जाएगा एडवोकेसी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शंस हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब लॉन्च किया गया, तो 1952 में, ठीक है। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा इसको। फिर है द बेसिस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो फेल्ट नीड्स ऑफ कम्युनिटी, हमने फेल्ट नीड के बारे में पढ़ा है अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो। फिर आपका आता है पीपल्स चॉइस, ठीक है। फिर आपका आएगा कम्युनिटी अवेयरनेस, ये तीनों ही चीज़ें आपकी शामिल होंगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी पीपल, ये ऐसा मतलब ये चीज़ें नहीं होंगी, ये तीन चीज़ें हैं जो आपकी शामिल होंगी, ठीक है। तो आपका ए डी एंड ई। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन, सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन से रिलेटेड क्या चीज़ सही है, तो दीज डिजाइन आर इसेंशली क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है, सही है ये बात। दूसरा है द यूनिट ऑफ एनालिसिस इन दीज डिजाइन इज नॉट वन बट मेनी, ये तो गलत बात है। फिर है दीज डिजाइन यूज रिपीटेड मेजर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी सही है, ठीक है। फिर है आपका दीज डिजाइन यूज टाइम सीरीज एनालिसिस इन टेक्निक्स, ये भी सही है। दीज डिजाइन मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट, ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर है असर्शन रीजन है, दिया गया है इंडिजीनियस सोशल वर्क रिक्वायर सेंसिटिविटी टू लोकल कल्चर कल्चर्स एंड कंटेक्स्ट, ये बिल्कुल सही है। आप कहीं पे भी सोशल वर्कर होंगे, आप जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना वहाँ के बारे में, स्थानीय जो संस्कृति है ना, वहाँ को वहाँ के जो भी लोग हैं उनका जो रहन सहन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये सही है असर्शन। फिर क्या है, द एथनोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इंडिजीनियस सोशल वर्क वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब कि स्वदेशी समाज कार्य का मानव प्रजाति केंद्रीय स्वरूप प्रति उत्पादक हो सकता है। देखिए ये तो सही है, लेकिन ये तो सही है, लेकिन इसका जो कह सकते हैं कि रीज़न जो दिया गया है ये यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, अगर आप बिकॉज लगा के देखेंगे ना तो आइडिया मिल जाता है, ठीक है। इंडिजीनियस सोशल वर्कर रिक्वायर सेंसिटिविटी टू लोकल कल्चर कल्चर्स एंड कंटेक्स्ट बिकॉज द एथनोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इंडिजीनियस सोशल वर्क वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, ये कहाँ सही नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका ऑलमोस्ट ऑल बेगर्स आर होमलेस बट ऑल होमलेस आर नॉट बेगर्स, ठीक है, मतलब कि लगभग सभी जो भिखारी बेगर होते हैं परंतु सभी बेगर भिखारी नहीं होते हैं, ये तो बात सही है, बेगर है तो व्यक्ति भिखारी होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर होमलेस आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स इराडिक्शन ऑफ बेगरी, ऐसा कुछ नहीं है, जो बेगर है उनके लिए जो सारे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं तो वो बेगरी भिखारी जो है इसको उन्मूलन के लिए नहीं बनाया, भिक्षावृत्ति के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये गलत है। तो इसमें सिर्फ ये सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका 3 जो हो जाएगा वो सही होगा, ठीक है। फिर है आपका अ ग्रुप वर्कर मस्ट ऑलवेज बी अलर्ट टू डिस्कवर, जो ग्रुप वर्कर है वो हमेशा अलर्ट होना चाहिए ढूंढने के लिए, क्या भाई किस चीज़ के लिए सजग होगा वो, ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस में बताना है। तो दैट द ग्रुप इन्वायरमेंट इज कंडक्टिव टू अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देखिए डेमोक्रेटिक डिसीजन हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, ग्रुप वर्क में होता है ये,
अगर आपने प्रिंसिपल्स को ध्यान से देखा होगा तो ये ऑप्शन होगा, दैट द ग्रुप एफर्ट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग इज प्रूविंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली विदाउट येल्डिंग अ रिजल्ट विच वर्क्स। ठीक है, समस्या का समाधान करने या निर्णय लेने की सामूहिक प्रयास में समय अधिक लगता है और यह प्रक्रिया महंगी है जिससे कोई कारगर परिणाम नहीं निकलता है। तो ये भी सही है आपका, ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दैट नॉट एवरी वन नोज हाउ टू हेल्प अ ग्रुप इन टू टेकिंग अ डिसीजन क्विकली एंड रैशनली। ये बात भी सही है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता है, तो इसके लिए जरूरी है कि अवेयर रहे जो वर्कर है। दैट द एक्सपर्टीज इन ग्रुप में नॉट एग्जिस्ट टू टेक सर्टेन डिसीजन। ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक्सपर्ट ही होंगे आपके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट यूजेनिक्स, सुजात से संबंधित क्या है। ठीक है, इम्प्रूविंग ह्यूमन रेस थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सही बात है, होता है ये। अग्रेसिव पॉपुलेशन कंट्रोल, जो आक्रामक होगा पॉपुलेशन वो कंट्रोल करेगा, सर्वाइव वही करेगा, सीधी बात है। ठीक है, नो कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ रेस, नस्ल का शुद्धिकरण, ये भी होता है, तो ये आपका ए बी एंड डी हो जाएगा। फिर है आपका विथ रेफरेंस टू द ट्रांजेक्शनल एनालिसिस कंसीडर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब समव्यवहारात्मक विश्लेषण से रिलेटेड करके आपको कथनों पे विचार करना है। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं क्या क्या है। पहला है कि हेल्प द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई एंड डीकंटेमिनेट एनी ईगो स्टेट दैट हैज़ बीन डिसऑर्डर्ड। जो सेवार्थी होता है उसकी विकृति की गई अहम की अवस्था की पहचान करने और उसे परामर्जित करने में सहायता करना, ये आपका जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है उसमें ये होगा। ठीक है, शामिल होगा ये। हेल्प द क्लाइंट टू अचीव थेरेपिस्ट इन द ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। ठीक है, अब ये होगा या नहीं तो ये भी शामिल होगा आपका। फिर आपका आता है हेल्प द क्लाइंट टू इवेल्युएट एंड जो अल्टर एंड अप्रोप्रिएट लाइफ पोजिशन एंड अडॉप्ट आई एम ओके यू आर ओके, ये इसका एक पार्ट है, तो ये होगा ही। फिर है आपका हेल्प द क्लाइंट टू अक्वायर एन अप्रोप्रिएट लाइफ स्क्रिप्ट एंड रिप्लेस इट विथ नॉन प्रोडक्टिव स्क्रिप्ट। ये मतलब कहाँ से, ये इसमें मैच ही नहीं हो रहा है, तो ये वैसे ही नहीं होगा, तो ए बी एंड सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका चलते हैं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 81 ना। हाँ, यहाँ पे फिर आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है नल हाइपोथेसिस और ये मैच कराना है आपको रिसर्च और उसके टर्म्स से। ठीक है, इसके लिए आपको रिसर्च वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना होगा, रिसर्च से क्वेश्चन है तो आएंगे ही। ठीक है, क्योंकि पीएचडी का आपका ये रिसर्च से रिलेटेड सब कुछ ये शामिल होगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। पहला है जो नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट रिजेक्टेड। अब ये क्या बात है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, जो शोधार्थी है रिसर्चर उसे रिजेक्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर। ठीक है, जो आपका अगर आपका हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, ठीक है, और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, ट्रू है पर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपका टाइप 1 एरर हो जाता है। ठीक है, और जब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो सही नहीं होता है, मतलब कि रॉन्ग होता है, बट आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये क्या होगा आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका, जो ऑप्शन है आपका द डिग्री ऑफ एरर बिटवीन अ स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर, मतलब आपका जो स्टैटिस्टिक है और उसका पैरामीटर जो है उसके डिग्री में अगर एरर आता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आपका सैम्पलिंग एरर। ठीक है, फिर आपका है द लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग एलिमेंट्स फ्रॉम विच द सैम्पल इज सेलेक्टेड, जहाँ से सैंपल लिया जाता है उसको हम सैंपलिंग फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका है द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली मेजर द कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, इसको हम बोलेंगे वैलिडिटी। हिंदी लर्नर्स भी देख ले इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, कोई उपकरण वास्तव में किस सीमा तक उस संकल्पना निर्मित का मापन करता है जिसका मापन किया जा जाना उसके द्वारा अपेक्षित है। ठीक है, तो ये आपका वैधता होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग द 5 जाइंट्स। बेवरेज रिपोर्ट ने, देखिए बेवरेज से कितने क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है, तो बेवरेज रिपोर्ट जो है उसमें 5 जाइंट बताए गए थे। ठीक है, कौन कौन से जाइंट थे आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पांच जायंट का नाम नहीं दिया है, कौन से नहीं होंगे आपको उसमें चूज करना, और उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको तो याद है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। जैसे कि आइडलनेस एंड इग्नोरेंस था, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। फिर आपका डिजीज, डिजीज था, बीमारी के रिलेटेड एक था, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका क्या था, स्क्वायर एंड वॉन्ट, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता क्या है आपका, इनजस्टिस और पॉवर्टी एंड मिजरी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी एंड ई आपका इसमें है, तो ये हो गया। यहाँ पे पांच जॉइंट जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे अरेंज द फिलोसॉफिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस इन करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो है तत्व दर्शन ऑन्टोलॉजी, उसके बाद आपका आता है एपिस्टिमोलॉजी, ठीक है, ये जो आप अभी तक आपको इसके बारे में ज्ञात नहीं होता है, फिर एपिस्टिमोलॉजी जो आपके ज्ञात में आ गया है, ठीक है। फिर आपका आता है थियोरेटिकल ओरिएंटेशन, अब आप उसको थ्योरी भी बना रहे हो, ठीक है, आप उसका ओरिएंटेशन दे रहे हो। उसके बाद आपका आता है रिसर्च अप्रोच, ठीक है, फिर आपका आएगा रिसर्च डिजाइन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सी, हाँ ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है नीति आयोग इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन हेड्स, ठीक है। अब किसमें बटा हुआ है, जो नीति आयोग का जो संपूर्ण कार्यकलाएं हैं उसे प्रमुख शीर्ष में वितरित किया जा सकता है, वो कौन से हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या काम नीति आयोग का है। पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, ये काम करती है, सही बात है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हाँ ये हुआ है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होता था लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे आपको सहकारी संघवाद देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशंस, ये कामयाब करता है बिल्कुल, और थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ये तो इसका फेमस है, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेटिव हब, ये आपका शामिल होगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन इसमें नहीं है, प्लानिंग बजटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये नहीं होगा, बाकी सारे आपके होंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन, आर्टिकल फर्स्ट ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड यूएनसीआरसी टॉक्स अबाउट, ये किस बारे में बताता है, तो ये द एज ऑफ द चाइल्ड बताता है, ठीक है, जो इनका आर्टिकल नंबर वन है, ठीक। फिर है आपका डिजाइन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला होगा आप आइडेंटिफाई करेंगे आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर एनालिसिस करते हैं उस प्रॉब्लम का आप, फिर आप उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं उसका अल्टरनेटिव आप बनाओगे, ठीक है। अब अल्टरनेटिव आपके पास आ जाएगा तो जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उस अल्टरनेटिव में, जो समाधान होंगे उसमें से आप जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको चूज कर लोगे, फिर आप उसको डिसीजन जो आपने लिया है उसको एक्शन में चेंज कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। फिर आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ टाइप टू एरर, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था क्या कि टाइप वन एरर आपका क्या होता है, जब आपका जो नल है हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होता है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये आपका टाइप वन एरर था। अब टाइप टू क्या होगा कि जब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है और आप उसको क्या कर ले रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो ये आपका टाइप टू की एरर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका देखिए एक ही से क्वेश्चंस आपके कितने मिलते जुलते हैं, तो अच्छे से क्लियर रिसर्च पढ़ के जाना भाई, ठीक है। फिर आपका आता है ह्यूमन राइट्स स्टार्ट विथ ब्रेकफास्ट, ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया है, तो इसे दिया है लियोपोल्ड सेंगोर ने। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि ये तो हमें याद नहीं है या हमने नहीं देखा है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको। फिर आपको यहाँ पे मैच लिस्ट करनी है, ये आपका जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ब्रह्मो समाज किसने कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो वो था बंगाल में, ठीक है। आर्य समाज आपका क्या कहाँ हुआ था, वो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। फिर सत्य शोधक समाज आपका ऊना में, और वेद समाज आपका मद्रास में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अब ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू ब्रिंग रिलीफ टू द क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड गिल्ट, जब कोई जो क्लाइंट है वो एंजाइटी या जो गिल्ट है दुश्चिंता या दोष से पीड़ित है तो किस प्रकार से उसे राहत पहुंचाएंगे, तो आश्वासन देना री एश्योरेंस जो होगा आपका इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप वहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे, सिंपैथी देंगे या विश्वसनीयता देंगे तो वहाँ पे काम नहीं आएगा, उन्हें री एश्योरेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा,
अब ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो कि आप किसी भी आपका जो फर्स्ट पेपर का भी या इससे रिलेटेड जो भी है, ये आप खुद से सॉल्व करिए। इसका एक यही टिप्स है कि क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले एक बार आप रीडिंग लगा लीजिएगा, एक नज़र डाल लीजिएगा पैराग्राफ पे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर जब आप ढूंढेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा, और कीवर्ड्स को पकड़िएगा। साथ ही कई बार क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जाती है, ऑप्शन में जो होगा ना, वो उस वर्ड का सिनोनिम्स होता है जो आपके पैराग्राफ में दिया होता है, तो सेम टू सेम वर्ड मिलेगा जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो अभी नेट का एग्जाम देने वाले हैं जून में। और आगे हम ऐसे और वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।